जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम 2023 में इंदिरा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में जानेंगे। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 3:08 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के बीच होगा। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजन विधि। अन्य एकादशी की तरह इस व्रत का धार्मिक कर्म भी दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। सात की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रहे, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इंदिरा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु से है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके साथ ही साथ पितरों को भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्य का बराबर फल मिलता है, इसलिए इस व्रत को रखना बेहद ही खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नर्क लोक से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।